तो दोस्त ये देखिए E6 का जो प्रॉब्लम है, YouTube पे हमने इतना वीडियो सर्च किया इतना वीडियो सर्च किया, सब जो है एक ही चीज बताए हुए हैं। क्या बताए हुए? अंदर का प्लॉक निकाल दिए, पीछे से प्लॉक निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये मशीन में जो है वो ये एक्सलेटर, ठीक है, ये एक्सलेटर का जो है कनेक्ट उसमें नहीं जा पाता है, तो E6 लिखता है, ठीक है, वो चल नहीं पाता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे मशीन में नहीं था और मैंने बहुत सारा वीडियो देख के छेड़खानी कर दिया था, आपको ऐसा नहीं करना है, मशीन जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सुधारा है, लास्ट में जो है जो छेड़खानी किया है वो भी दिखाया हूँ और जो सुधारा हूँ वो भी दिखाया हूँ। तो मेरा जो गड़बड़ था ना वो वोल्टेज में, क्या वोल्टेज में, तो मशीन को छेड़छाड़ नहीं करना है, मशीन हैवी है। ये मशीन जो है जितने लोग खरीदे हुए हैं, अगर जानकारी नहीं है तो देख लीजिएगा, ये जानकारी जो है जैसे से मुझे होता है वैसे से मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ जो है ना ये चीज, ठीक है, यहाँ से हमने वोल्टेज को सेट किया है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे। ये देखिए यहाँ से प्लग, ये वाला प्लग जो है निकाल करके अच्छे अच्छा यहाँ से फिर उसको लगा दिया, इसी प्रॉब्लम हो गया। तो वो लोग ऐसा ही वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, बट मेरा प्रॉब्लम कुछ और था, वोल्टेज कम आ रहा था, E6 लिख दे रहा था, काफ़ी हम परेशान हो गए थे। तो इसका सलूशन किए हैं, अच्छे तरीके से बताए हैं। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपके पास ये मशीन है तो ये वीडियो देखना ही चाहिए, हो सके अभी प्रॉब्लम नहीं हो बाद में प्रॉब्लम आने लगे। तो मैं जैसे चालू कर रहा था वो E6 में काफ़ी बोर हो गया था, तो वोल्टेज कम था और वोल्टेज जो है 260 से सेट था इसमें, ठीक है। तो इसको हमने कैसे सेट किया, कैसे कम किया, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा लंबी है बट लंबी नहीं है, 6-7 मिनट की है, अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे बिल्कुल मेरे अंदाज में, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट बिना कोई टेंशन का। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो मेरा मशीन है ये हमेशा E6 लिख दे रहा है और ये चल नहीं रहा है, ठीक है, और कहीं से भी मैं कोई तार वगैरह नहीं निकाला हूँ, यहाँ से भी आप देख सकते हो बिल्कुल लगा हुआ है और पता नहीं, और यहाँ पे जो है कोई ऐसा मशीन यूज़ करता नहीं है, तो देखते हैं कहाँ से फॉल्ट है। ऐसे तो पता चला है कि इसका कहीं से वायर वगैरह में फॉल्ट होता है, तो चलिए उस वायर को ढूंढते हैं कहाँ पे है। और इसी तरीके से देख लीजिए ये चालू है तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल परफेक्ट ही है। हम आते हैं पीछा को, ये देखिए, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं इसको। तो दोस्तों मेरे मोबाइल में जो है प्रॉब्लम आ रही थी E6 का, ये जो है जैक फॉर मशीन जो है आपने देखा था, और ये पहले वीडियो मैंने दिखाया आपको कि कितना प्रॉब्लम आया था। तो इस प्रॉब्लम का हमने सलूशन निकाल लिया है। इसका सलूशन ये नहीं है कि हम इधर से जो है हम ये प्लॉक निकाले हुए थे, अंदर से जो दो प्लॉक रहता है पीछे से वो प्लॉक मैंने नहीं निकाला था। तो दोस्तों ये जो मेरा मशीन है इसमें E6 का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा था, E6 का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा था। चालू कर रहे थे E6 लिख दे रहा था, तो जानते हो मैं देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है हमने यहाँ का कोई प्लॉक वगैरह नहीं निकाला था, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट था। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो वायर जो है ख़राब हो चुका है, बट ख़राब नहीं था। अब क्यों नहीं ख़राब था, ये सेटिंग से खराबी थी मेरी, जी हाँ दोस्तों मशीन के सेटिंग से खराबी थी। इसमें जो वोल्टेज सेट था ना 260, यानी कि 260 वोल्टेज आएगा तो मेरा मशीन चलेगा, अन्यथा E6 लिख देगा। तो अभी भी जो है वोल्टेज कम ही है, तो इसको हम कैसे सेटिंग किए हैं तो आपको हम बताएंगे। तो चलिए हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से हम दिखाएंगे। तो देखिए यहीं से सेटिंग से जो है गड़बड़ाया था, तो ये दोनों बटन को ऐसे, देखिए दोनों बटन को ऐसे दबाइएगा, ठीक है, तो दबाते ही क्या लिख दिया, F लिख दिया। अब इसको यहाँ से क्या लाना है, R लाना है, ठीक है, तो देखिए ये यही आ रहा है, ठीक है, तो ये भाग गया। फिर से मंगाते हैं इसको, तो ये देखिए N हो गया, U हो गया, ये R हो गया, ठीक है, R हो गया। तो इसको दबाएंगे, ये देखिए यहाँ 0 रहना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो 0 कर देना। उसके बाद फिर यहाँ से जो है हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए Y है, ये जो है Y है, तो Y को क्या करना है कि ये माइनस वाले बटन दबाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा 0 है ना, ये देखिए 260 था, यानी कि 26, यानी कि 260 वोल्टेज रहेगा तो चलेगा मशीन, नहीं तो E6 लिख देगा। तो इसको हम क्या किए हैं,
ये यहाँ पे जीरो का दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो है जीरो करने के बाद जो है यहाँ पे एफ लाना है, ठीक है। ये देखिए एफ लाना है, फैक्ट्री मुंड लाना है, फैक्ट्री मुंड एफ एफ, ये देखिए एफ आ गया, ठीक है। अब जो है ये एक्सीलेटर को हम दबाएंगे और यहाँ जो है चलाएंगे, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पी लिख दिया, ठीक है। तो ये मशीन जो है अब चलने लगेगा, ऐसा प्रॉब्लम होगा तो। अगर इससे नहीं सुधरेगा दोस्त, ये दो सेटिंग करने के बाद अगर नहीं सुधरेगा तो आपका जो है ये पीछे वाला जो कॉयल है ना, ये वाला कॉयल मैं दिखा दूँ, ये नीचे वाला कॉयल जो है जो इस मशीन से जो है कनेक्ट है, ये लाइट का है, तो लाइट वाला छोड़कर ये देखिए लाइट कैसे आया हुआ है। तो ये लाइट का छोड़कर ये अगर इस सेटिंग से नहीं सुधरेगा तो देख लेना ये कॉयल खराब हो, या आप वेट कर लेना, आपका हो सके वोल्टेज कम हो, ठीक है। तो वेट कर लेना, मशीन में जो है कोई छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे खोजा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो खोजा बट नहीं मिला ऐसा वीडियो, तो सोचा कि ये जो है काफ़ी आप सभी को जो है नॉलेजफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग का वीडियो है। और इसके पहले जो है हम लास्ट में हम लगा देंगे पूरा जो वीडियो हम किए हुए हैं छेड़छाड़ किए हुए मशीन में, वैसा नहीं करना है। तो यहाँ से पूरा देखिए, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखाते हैं। और जो कोई भी मशीन में प्रॉब्लम होता है तो खुद से उसको सही करने की कोशिश करते हैं, सही हो जाता है तभी जो है वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए मिलते रहिए, चलिए मिलेंगे नए वीडियो में।